कार्स, वैसे देखा जाए तो कार्स यानी गाड़ी केवल एक मशीन है, पर हम भारतीयों के लिए कार सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। कई सारे शौकीन लोगों के लिए कार्स किसी दूसरे घर से कम नहीं। छोटी कार, बड़ी कार, लग्जूरियस कार, एसयूवी कार या फिर ऑफ रोड कार, हर किसी को अपनी अपनी कार पसंद होती है। कारों के प्रति इसी रुचि को बढ़ाने के लिए और लोगों के सामने इसको अच्छे तरीके से पेश करने के लिए बहुत सी कार कंपनीज कार कमर्शियल्स यानी कार एड्स का सहारा लेते हैं। इसमें कार एडवर्टाइजमेंट कंपनीज उस एड्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर वो पूरी कोशिश करते हैं जिससे कि एड्स ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक हो सके। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के स्टूडियो में हम उन्हीं मेमोरेबल और एंटरटेनिंग कार कमर्शियल्स को देखने वाले हैं। यही वो एडवर्टाइजमेंट्स थी जिन्होंने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और कार्स में इमोशंस डाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया भर में मारुति सुजुकी स्विफ्ट सबसे पॉपुलर हैचबैक में से एक है। वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट की अभी तक 7 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बेची गई है। स्विफ्ट हमेशा से ही एक स्पोर्टी एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ आती है। सुजुकी एडवांस टेक्नोलॉजी के सीरीज इंजिन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को अच्छे से बैलेंस कर पाता है। जब से 2005 में स्विफ्ट को लॉन्च किया गया था तब से अभी तक कार सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग कार है। कार बहुत से अवार्ड्स की विजेता रही है। आज भले ही मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं, पर एक समय ऐसा भी था जब मारुति भी रोबस्ट कार्स को बनाता था और मारुति सुजुकी स्विफ्ट पहली जनरेशन उसी का एक एग्जाम्पल है। Technology you love to drive. Maruti Suzuki Swift. Let's play. टोयोटा की शानदार एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर ने बहुत बढ़िया पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। टोयोटा फॉर्च्यूनर को 2005 में टोयोटा हिलक्स पिकअप ट्रक के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। एसयूवी को स्पेशली रफ टेरेन कंडीशंस ऑफ रोड ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के लिए डिजाइन किया गया था। इनिशियली फॉर्च्यूनर को थाईलैंड में लॉन्च किया गया था। इसके सफलता को देखते हुए टोयोटा ने अदर कंट्रीज में भी धीरे धीरे इसे इंट्रोड्यूस किया था। भारत में फॉर्च्यूनर को 2009 में लॉन्च किया गया था। भले ही टोयोटा ने इसे भारत में देरी से लॉन्च किया हो, पर सबसे जल्दी एसयूवी के मार्केट पर कब्जा करने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर ही एक अकेली एसयूवी थी। टोयोटा फॉर्च्यूनर आज नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। वाकडोकी वाकडोकी Toyota, it makes your heart go wakudoki. Share your wakudoki moments with me. Wakudoki, wakudoki, wakudoki. Hyundai i10 इस पॉपुलर हैचबैक को साल 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कार में से बहुत से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स थे जिसने लोगों का ध्यान इसकी ओर खींचा था। अर्बन एरियाज के ड्राइवर्स के लिए Hyundai i10 एक आइडियल हैचबैक थी। i10 सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशियंट थी जिसमें 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन 19.81 केएमपीएल का माइलेज आसानी से निकाल कर दे सकता था। I love you, Irene. Cut. Shahrukh, I need some more emotion from you. Imagine you're talking to the most beautiful thing in the world. I got it. Yeah, okay. Yeah. Roll tape. 147. You're like a breath of fresh air. You don't move, you glide. You are the color of honey, yet smoother
and softer. With you, my life is complete. I love you. I-10. I'm sorry. You'd love to love it. Hyundai i10. Catch the eye. Can we change the name to i10? मारुति की बेस्ट सेलिंग कार अल्टो एक स्मॉल हैचबैक है। कार अपने अफोर्डेबल प्राइस, लो मेंटेनेंस और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से लोगों के बीच पसंदीदा कार है। साल 2000 में जब अल्टो पहली बार लॉन्च हो चुकी थी, तब से अभी तक अल्टो की कई सारी जनरेशंस लॉन्च हो चुकी है, जिसमें मारुति ने अल्टो को समय समय पर अपडेट करते हुए डेवलप किया है। आपको शायद ही पता होगा, अल्टो ऐसी पहली कार है जिसने 40 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव किया है। लेट्स गो। Let's go. We won't make it to work. Let's go. Come on. Let's go. It's hot here. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go in an auto. A-Star एक कॉम्पैक्ट हैचबैक थी, जिसे मारुति ने साल 2008 में इंट्रोड्यूस किया था। सिटी ड्राइविंग के लिए A-Star एक अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन था। जो लोग ज्यादा माइलेज के साथ एक स्मॉल कार चाहते थे, उनके लिए A-Star से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था। कार की मॉडर्न और स्पोर्टी डिजाइन बाकियों से अलग थी, पर A-Star फीचर्स में अल्टो से थोड़ी प्रीमियम थी। साल 2014 के अंदर A-Star को मारुति सुजुकी सेलेरियो ने रिप्लेस किया था। An excellent track record in business development. But have you ever worked in the technology sector? No, sir. Please explain denormalization. What is data abstraction? Recursive algorithm? Don't know, sir. Thank you. Excuse me. May I ask a question? This is not done. Please go ahead. Was the purpose of this interview to see what I know or what I don't know? Tell us what you know. Nothing can stop you when you have the power within. Like the A-Star. Potent K-Series engine. Superb mileage. A-Star. The power within.